हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। और सुबह सुबह अभी शेक बना रहे हैं, यूजुअल रोज़ बनाते हैं। थोड़ी अभी मशीन में दिक्कत हो गई है, जो मोटर के जो तीत है वो भी रोक गए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जुगाड़ करके हमने ये ऐसे अंदर थोड़ा ये खुद देख तो थोड़ा सिस्टम बनाया हुआ है चलाने के लिए। सो हमने सारा कुछ इसमें डाल दिया, अभी देखते हैं चलता कि नहीं। सो काम कर रहा है। सो ये कुछ लंबा चलेगा नहीं मुझे, आई थिंक मैं ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी बाहर निकल सकते हैं ये सारे, क्योंकि ऐसे फेस्ट फिट नहीं किए हमने पूरे। काफ़ी सारे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, जब से इंडिया से यहाँ पे आए हो तब से ये हर रोज़ यूज़ हो रहा है। सो इसकी भी दिक्कत नहीं है, तो वही है। तो अभी एक लेक्चर है, तो यूनिवर्सिटी चलते हैं, वो ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। हेलो बेटा, घर आ गए हैं। और क्या बारिश गिर रही थी आपको दिखा देता हूँ, अभी भी थोड़ी थोड़ी गिर रही है, पर आते वक्त तो बहुत ज़्यादा थी। और जो हमने ब्लेंडर मंगाया था वो आ गया है, उसके साथ ये ऐसा जग आया है, ये उसका ढक्कन है। तो ये पैकिंग में कुछ ऐसा दिखता है, तो मैंने ये बाहर निकाल दिया है ऑलरेडी। इसमें मैंने पानी भरा हुआ है ट्राई करने के लिए कि चल रहा है कि नहीं। सो फिट कर देता हूँ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है ये। सो ये दो स्टेप में है, सो दो स्पीड मोड हमने दिए हुए हैं। ये स्लो वाला था और ये थोड़ा फास्ट वाला है। और ये ऑलमोस्ट साइज़ में डबल है पुराने वाले से, और इसकी कैपेसिटी भी 600 वोल्ट के आसपास है। और वो था आई थिंक, मुझे देखना पड़ेगा, इंडिया से लाया था ये वाला 400 वोल्ट का है, और ये जो हमने मंगाया वो 600 वोल्ट का है। ये भी सही है, पर इसकी बोतल काफ़ी छोटी आती है, आप देख सकते हो। कंपेयर करके दिखा देता हूँ, देख लो ऑलमोस्ट साइज़ देख लो दोनों का। सो ये थोड़ा बेनिफिट है इसमें, बोतल काफ़ी बड़ी आती है, और उससे ज़्यादा करना हो तो ये जग भी है 2 लीटर का। सो भैया ये भी चल ही रहा है, इसको भी हम यूज़ करते रहेंगे। तो कुछ छोटा ग्राइंड करना हो वगैरह तो इसमें बनाएंगे, बाकी ये तो अब रेगुलर यूज़ हो ही गई रोज़ सुबह ये भी होता था, और इसको भी हीटर करना पड़ेगा हमें। तो अभी जिम निकल रहे हैं और थोड़ी बारिश आई थिंक आएगी थोड़ी देर में, सो निकलते हैं फटाफट। और आई थिंक शोल्डर है हमारा, सो देखते हैं, प्लान देखना पड़ेगा मेरे को। सो वही है, सो जिम जाते हैं और वहीं पे मिलते हैं।
घर आ गए अभी और वर्कआउट काफ़ी अच्छा था आज. सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही रखते. सो व्लॉग एंड करते हैं अभी. तो मिलते हैं अगले व्लॉग में. तब तक बी सुम नेक्स्ट टाइम. चाओ विडा चैन बाय.